तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दही बल्ले बनके एकदम रेडी हो गया है। बहुत अच्छा हुआ, एकदम टेस्टी, मुंह में पानी आ गया है। और मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितना स्पंजी हुआ है, एकदम सॉफ्टी हुआ है, जो खाते ही मुंह में घुल जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पंजी, खाने में जो मजा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं मूंग का दाल ली हूँ। दही भल्ले बनाने के लिए आपको मूंग का दाल का भी बनता है और उड़द का दाल। तो आप चाहे मूंग का दाल बनाइए, चाहे उड़द के दाल से बनाइए, दोनों का बहुत अच्छा बनेगा, एकदम सॉफ्ट बनेगा, एकदम स्पंज बनेगा। तो यहाँ पे मैं मूंग का दाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये, इसको मैं 4 घंटा भिगो दी थी। भिगोने के बाद इसको हम अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम जार में डालेंगे और इसका एकदम अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गया है। और ये देखिए ऐसे तोड़ने से एकदम अच्छे से टूट जा रहा है, तो इसका मतलब एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। इसको हम अलग प्लेट में निकाल के रख लेते हैं और इसको एकदम अच्छे से पेस्ट बनाएंगे कि जो हमारा भल्ले एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पंज बने और खाने में एकदम अच्छा लगे, जो खाते ही मुंह में घुल जाए। इस तरह से हम इसको छन्नी से छान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छन्नी के मदद से हम इसको अच्छे से एकदम छान ली हूँ और इसको अच्छे से धो ली हूँ। तो इसको धोने के बाद हमको जार की जरूरत है, तो जार में हम इसको रखेंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मूंग का दाल है, इसको मैं ठंडे पानी से धोई हूँ। तो मैं ठंडे पानी से इसलिए धोई हूँ कि ये जो जार है इसमें पीसने से ये गर्म ना होके, इसके वजह से मैं ठंडे पानी से धोई हूँ। और थोड़ा सा हम इसमें आइस डालेंगे, तो आइस हम इसलिए डाल रहे हैं कि हम बाहर निकाल के इसको हम फेंकेंगे नहीं, और इसको हम इसी में अच्छे से 10 मिनट तक इसको एकदम अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे कि हमको फेंटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए अब इसको हम पीसने चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से पेस्ट बन गया है और बहुत अच्छा हुआ है। इसको अब हम चेक करते हैं कि हमारा पेस्ट एकदम भल्ले बनाने के लिए रेडी हो गया है कि नहीं। तो देखिए हम इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए मैं पानी रखी हूँ और ये पानी में इसको हम ऐसे डालेंगे। तो देखिए ये हमारा पेस्ट एकदम बनाने के लिए रेडी हो गया है। अगर ये पानी में नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब ये पेस्ट तैयार नहीं है भल्ले बनाने के लिए। और ये देखिए पानी से ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब ये पेस्ट एकदम अच्छा तैयार हो गया है भल्ले बनाने के लिए। एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं और भल्ले बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं तेल रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमको इसको भल्ले को बनाना है। तो देखिए पहले हम हाथ में ऐसे पानी लगाएंगे, इसके बाद से ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे लेंगे और देखिए इसी तरह से हम ये कढ़ाई में ऐसे डालते रहेंगे। तो हम भल्ले बनाएंगे इसी तरह से हाथों में पानी लगा के कि हमारे हाथ में चिपके ना, इसके वजह से हम पानी लगाते हैं और ऐसे ऐसे करके हम छानते रहेंगे। तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे छानेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं। हाई फ्लेम पे अगर छानेंगे तो आप तो ये बाहर से एकदम अच्छे से हो जाएगा और अंदर से एकदम कच्चा रहेगा, तो इसके वजह से हम मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके बना लेंगे, इसके बाद से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बड़ा है सब मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। और देखिए आप इस तरह से इसको ऐसे करते रहिए, ये अच्छे से फ्राई होता रहेगा। तो देखिए हमको इस तरह से ऐसे करना है, धीरे धीरे ऐसे करके घुमाना है कि एकदम अच्छे से ये पक जाए अंदर तक। और लो टू मीडियम फ्लेम पे ध्यान रहे, तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन होगा नहीं तब तक हमको इसको निकालना नहीं है। हमको इसी तरह से ऐसे ऐसे करके इसको एकदम अच्छे से ब्राउन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल के कम 15 मिनट तक इसको एकदम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम पानी में इसको ऐड करेंगे। इसको हम प्लेट में रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भल्ले है ये एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। और ये देखिए ये नॉर्मल पानी है, ये पानी में हम इसको डाल देंगे। तो पानी में डालने से पहले सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और ये थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो इसको हम अच्छे से इसमें ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो हम इसलिए इसको डालते हैं क्योंकि ये जो है हमारा भल्ले एकदम इसमें अच्छे से एकजॉब कर ले और इसका टेस्ट एकदम अच्छा लगे खाने में, इसके वजह से हम इसमें हल्का सा नमक और हींग डालेंगे और इसको हम इसी पानी में
डाल देते हैं। इसको हम पानी में कम से कम 10 मिनट इसको ऐसे रख देंगे ढक के। तो थोड़ा सा हम धनिया का पत्ते भी डाल देते हैं इसमें। तो इसको हम नॉर्मल पानी में रख दी हूँ और एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको हम 10 मिनट के बाद निकालेंगे। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घर का जमाया हुआ दही है और बहुत अच्छा दही जमा हुआ है। तो इसको हम दही भल्ले बनाने के लिए इसको अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। तो ऊपर का जो मलाई है इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद से हम बताते हैं क्या करना है। तो आप देख सकते हैं ये दही एकदम अच्छे से जम गया है, एकदम गाढ़ी दही हुई है। और इसमें देखिए हम जो चीनी है इसको हम इसी में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे। इसको फेंटने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा भल्ले तैयार हो रहा है तब तक ये दही भी एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा और चीनी जो है दही में एकदम अच्छे से घुल जाएगी। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 10 मिनट हो गया है, एकदम अच्छे से ये फूल गया है। देखिए पानी एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। और हम पानी में इसलिए डालते हैं कि इसमें जो तेल है एक्स्ट्रा वो पानी के साथ निकल जाए। तो देखिए अब इसको हम पानी से अलग करके प्लेट में रख लेते हैं। तो हम इस तरह से निचोड़ निचोड़ रखेंगे। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पानी से एकदम अच्छे से निचोड़ के मैं प्लेट में रख ली हूँ और ये दही है एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है और चीनी एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए भुना हुआ जीरा है, जीरा पाउडर है, इसको हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं। और ये काला नमक है, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा भल्ले है, इसको हम आपको काट के दिखा रहे हैं। इतना स्पंज इतना सॉफ्टी हुआ है, तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्टी बहुत अच्छा लग रहा है और एकदम स्पंज हुआ है। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में डालते ही इसका कलर कितना चेंज हो गया पानी से निकालते हुए और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम स्पंजी हुआ है। इसमें अब हम सारा सामान ऐड करते हैं और दही भल्ले बनाते हैं। तो हम आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये दही है, इसको हम इसी में ऐसे डाल देंगे। एकदम मुंह में पानी आ रहा है। और ये देखिए ये मीठी चटनी, ये मीठी चटनी है, ये तीखी चटनी है, ये अनार है, ये हरा पुदीना धनिया की चटनी है। तो आपको कोई सा भी मन करे वो इसमें ऐड कर सकती हैं। तो हम थोड़ा सा ये तीखी चटनी डालेंगे और ये थोड़ी सी मीठी चटनी, ये थोड़ा सा अनार है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो बच्चों को मीठा चटनी बहुत पसंद होता है, तो हम मीठी चटनी और डाल दे रहे हैं। ये थोड़ा सा चाट मसाला है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ चाट मसाला का इस्तेमाल की हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दही भल्ले बनके एकदम रेडी हो गया है, बहुत अच्छा हुआ, एकदम टेस्टी, मुंह में पानी आ गया है। तो आपको हमारा दही भल्ले कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितना स्पंजी हुआ है, एकदम सॉफ्टी हुआ है, जो खाते ही मुंह में घुल जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से दही भल्ले बनाइए, एकदम इजी तरीका और कम बजट वाला बताई हूँ आपको। आपको जब भी मन करे तब आप इस तरह से दही भल्ले बना के खा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।